हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको इस तरीके के कमाल का लिरिक्स और स्टेटस वीडियो बनाना बताऊंगा गाइस, कि आप इस तरीके की वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा, अगर इस तरीके की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो गाइस सिंपली इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लेना है। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कैन मास्टर ओपन कर लेना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे 16:9 का साइज सेलेक्ट कर लेना है और सेटिंग पे जाना और एडिटिंग पे चले जाना, इसको फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सुशांत सिंह राजपूत की फोटो ऐड कर लेनी है। तो गाइस, आप यहाँ पे अगर इनकी फोटो लगाकर वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये फोटो लगा सकते हैं, या अपनी कोई फोटो लगा कर वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइस अपनी फोटो यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो ऐड करने वाले करना क्या, सिंपली इस पर ट्रांजेक्शन दे देना है। ट्रांजेक्शन देने के लिए गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्हाइट कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गेट मोड पे जाके गाइस आपको यहाँ पे लाइन वीव वाला ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे ये वाला दे देना है और अगली फोटो की आगे ट्रांजेक्शन भी क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले को दे देना है और अगली ट्रांजेक्शन भी क्लिक करना है। गाइस आपको यहाँ पे ये वाला दे देना और गाइस इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन दे देना। तो इसी तरीके से गाइस अपनी जितनी भी फोटो ऐड करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे देना और इसका साइज कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है। तो छोटा करने वाले गाइस आपको करना क्या, सिंपली इसको सेव कर लेना। सेव करने के लिए गाइस शेयर वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पे 1080 रेशियो सेलेक्ट कर लेना, ब्राइटनेस सही कर लेना, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो जैसे गाइस देख सकते हो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे गाइस देख सकते हो ये वीडियो बनके सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको करना है क्या है, सिंपली बैक हो जाना। बैक होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 16:9 का साइज सेलेक्ट कर लेना। 16:9 का साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना जो आपने यहाँ पे सेव किया था। सेव किया हुआ वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना और इसके वेगनेट पे जाना, इसका वेगनेट ओपन कर लेना और इसका ऑडियो का ऑप्शन पे जाना, इसका ऑडियो म्यूट कर देना है। तो ऑडियो म्यूट करने वाले जैसे आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाना और एक यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। इसका साइज कुछ इस तरीके से लास्ट तक कर लेना और इसको फुल स्क्रीन पे गैस आपको कर लेना है। तो इस तरीके से गैस आपको इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना और गैस इसकी अल्फा ओपेसिटी पे जाकर इसको इस तरीके से हल्का कम कर लेना है। कम करने के बाद गैस आपको यहाँ पे इसकी ओवली एनिमेशन पे जाना और यहाँ पे इस वाले पे सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना और थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको फुल स्क्रीन क्लिक कर देना और इसके ऑडियो के ऑप्शन पे जाना। इसका ऑडियो वैसे आपको म्यूट नहीं करना है। तो वैसे इसको सिंपली नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना, इसको स्क्रीन कर देना। तो स्क्रीन करने के बाद आपको देख रहे हो तो यहाँ कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। वैसे आपको इसके एडजस्टमेंट पे जाना और इसके एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से सेट कर देना। तो सेट करने के बाद करना क्या है, लास्ट पे जाना, इसके कैंची का ऑप्शन पे जाकर इसको ट्रिम टू ऐड ऑपरेट करके इसका बेकार का भाग कट कर देना। कट करने के बाद सिंपली लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेना। तो इस टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना और सिंपली नीचे ब्रांडिंग का ऑप्शन पे जाना है, इसको गाइस आपको स्क्रीन कर लेना है। तो स्क्रीन करने वाले करना क्या, इसके एडजस्टमेंट पे जाना, इसका एडजस्टमेंट भी कुछ इस तरीके से बढ़ा देना। तो बढ़ाने वाले जैसे आपको करना क्या, इसका ऑडियो म्यूट कर देना। म्यूट करने वाले इसके लास्ट पे जाना, कैंची का ऑप्शन पे जाना, इसको ट्रिम टू ऐड ऑपरेट करके इसका बेकार का भाग कट कर देना। कट करने वाले जैसे आपको सिंपली लेयर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और मीडिया पे जाने वाले जैसे आपको यहाँ पे ये वाली पीएनजी ऐड कर लेनी है। इस तरीके से पीएनजी को यहाँ फुल स्क्रीन कर लेना और फुल स्क्रीन करने वाले जैसे आपको सिंपली नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना है, इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने वाले जैसे आपको इसको लास्ट तक कर लेना और इसके बैक आ जाना है और इसके ओवली एनिमेशन पे जाना और यहाँ पे जैसे आपको इस पे इस तरीके से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से इस वाले को सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने वाले करना क्या, इसको थ्री डॉट पे क्लिक करना, इसको डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने वाले आपको इसको एक उठा के इस तरीके से इधर पे ऐड कर देना। तो ऐड करने वाले देख सकते हो ये स्टेटस वीडियो कुछ इस तरीके से बन गया, कम्प्लीट तैयार हो गया। तो गाइस इसको सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे 1080 रेशियो सेलेक्ट कर लेना, ब्राइटनेस हाई कर लेना और इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइस देख सकते हो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ही लाइनिंग पूरा हो जाएगा तो गाइस आपका वीडियो बन के गैलरी भी सेव हो जाएगा।